हेलो एवरीवन। तो ट्रिग्नोमेट्री में आज हम पार्ट फोर स्टार्ट कर रहे हैं, और पार्ट फोर में हम आपको बता दें, जो पार्ट थ्री में हमने आइडेंटिटी को डिस्कस किया था, उन्हीं आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे, और उसमें दो तीन फिर और आइडेंटिटीज़ इसमें हम इंक्लूड करेंगे, और उनके बेसिस पर आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिएगा, पहले एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि कल जो आइडेंटिटीज़ आपको बताई गई थी उन्हीं के बेसिस पर है। तो आपको इसमें समझा रहे हैं किस तरीके से ये होगा। क्वेश्चन ये गिवन है, इफ साइन एक्स इक्वल टू 3/5, कॉस वाई इक्वल टू -k/12/13 एंड एक्स वाई बोथ लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट पार्ट में साइन एक्स प्लस वाई, सेकेंड पार्ट में कॉस एक्स माइनस वाई, और थर्ड पार्ट में टेन एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको ऑब्टेन करनी है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि साइन एक्स आपको गिवन है इसमें 3/5, तो पहले हम साइन एक्स की हेल्प से यहाँ पर टेन एक्स के और कॉस एक्स की वैल्यू को ऑब्टेन कर लेते हैं। और आपको बताया गया था कभी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको पता हो और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड आउट करने हो, तो आप ट्रायंगल राइट ट्रायंगल को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके माइनस साइन को इग्नोर करते हुए, क्योंकि माइनस का साइन तो हम बाद में भी उनमें एज ए क्वाड अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट जो पुट कर सकते हैं। तो साइन एक्स क्योंकि यहाँ पे 3/5 है, तो क्योंकि साइन एक्स किसके इक्वल होता है, तो साइन एक्स इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, आपको पता ही अच्छी तरीके से। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा इसमें 3, हाइपोटेनस हो जाएगा इसमें 5, पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो बेस आ जाएगा 4। अब टेन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो बन जाएगा 3/4, और कॉस एक्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो वो आ जाएगा 4/5। अब देख सकते हैं दोनों के आगे हमने माइनस का साइन इसलिए पुट किया है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन एक्स और कॉस एक्स जो फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। डेट्स वाई यहाँ पर टेन एक्स भी -3/4 लिया जाएगा, कॉस एक्स को -4/5 लिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा, कॉस वाई गिवन था -k/12/13, तो इसके लिए भी राइट ट्राइंगल बनाएंगे, लेकिन ट्राइंगल में साइड को नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं होती है। तो हम सिर्फ यहाँ पे 12/13 को ही वहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि कॉस इक्वल होता है किसके, बेस अपॉन हाइपोटेनस के, तो कॉस इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के, तो बेस हो जाएगा इसमें 12 और हाइपोटेनस हो जाएगा इसमें 13। पाइथागोरस से परपेंडिकुलर को ऑप्टेन करेंगे तो आ जाएगा 5। साइन वाई को ऑप्टेन करेंगे क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आ जाएगा 5/13, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आ जाएगा 5/12। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो साइन वाई है वो पॉजिटिव है, लेकिन जो टेन वाई है वो नेगेटिव, वो इस वजह से ही क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो साइन उसमें पॉजिटिव होता है लेकिन टेन उसमें नेगेटिव होता है, ठीक है। तो साइन एक्स की हेल्प से हमने कॉस एक्स और टेन एक्स की वैल्यू को ऑप्टेन किया, और यहाँ पे कॉस वाई की हेल्प से हमने साइन वाई और आपके टेन वाई की वैल्यू को ऑप्टेन किया। अब देखिएगा, इसमें हमें साइन एक्स प्लस वाई को ऑप्टेन करना है पहले पार्ट में, तो हम साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। वो आइडेंटिटी आपको आई होप अच्छी तरीके से लर्न भी हो गई होगी। तो साइन एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे साइन एक्स की, कॉस वाई की, कॉस एक्स की, साइन वाई की, और इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा ये -k/56/65। ऐसे ही हमें कॉस एक्स माइनस वाई को ऑप्टेन करना था, तो कॉस एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी को भी हम यूज़ करते हैं, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो यहाँ पर भी कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई की वैल्यू को पुट करके इसका सॉल्यूशन भी हम ऑप्टेन कर सकते हैं। आई होप मुझे कैलकुलेशन को बताने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर हमें थर्ड पार्ट में टेन एक्स प्लस वाई को ऑप्टेन करना था, तो टेन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी भी आपको पता है अब, तो टेन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी हम टेन एक्स की टेन वाई की वैल्यू को पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और इसकी वैल्यू को भी ऑप्टेन आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके एक बार जरूर ध्यान से देख लेना है। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, मिसलेनियस में सर ये क्वेश्चन गिवन है। तो इसमें हमें करना है क्या, हमें प्रूफ ये करना है कि टेन 3x इंटू टेन 2x इंटू टेन एक्स इक्वल टू टेन 3x माइनस टेन 2x माइनस टेन एक्स। तो इसको हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, तो अगर हम ध्यान से यहाँ पर एंगल्स को देखें, इनमें एंगल में क्या क्या है, एक में 3x है और एक में 2x है और एक में x है। तो इन एंगल्स में रिलेशन में दिखाई दे रहा है कि जो 3x एंगल है वो 2x प्लस x के सम के इक्वल होगा, तो इसी वजह से यहाँ पर हम टेन 3x की कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं। टेन में इसलिए क्योंकि टेन में फंक्शन वहाँ पर गिवन है, और टेन 3x को हम क्या लिख सकते हैं, तो टेन 3x को लिख सकते हैं हम टेन 2x प्लस x। अब इधर RHS में जिसको हमने टेन 2x प्लस x लिखा है, उसमें हम टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी को यूज़ कर लेते हैं। तो टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी आपको पता है कि टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन इंटू टेन बी होता है। तो आइडेंटिटी को लगाएंगे तो यह आ जाएगा टेन 2x प्लस टेन एक्स होल अपॉन में 1 माइनस टेन 2x इंटू टेन एक्स। इसके बाद हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये कंडीशन ऑब्टेंड होगी। और फिर इसमें करते क्या हैं, जो प्रोडक्ट वाली टर्म्स हैं तीनों टेन 3x टेन 2x टेन एक्स, इनको हम ले जाते हैं LHS में और बाकी को ले जाते हैं RHS में। तो आपका ये जो हमें प्रूव करना था वो आसानी से प्रूव हो जाता है। हमने ये भी डिस्कस किया था, कुछ और आइडेंटिटीज़ के सेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दें, इसमें फर्स्ट है ये, तो साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई के।
तो कभी भी साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई की दो टर्म अगर ये प्रोडक्ट में इस तरीके से गिवन है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई के। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है। अगर आप इसमें साइन एक्स प्लस वाई की जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको पुट करते हैं, उनको प्रोडक्ट करते हैं, तो वहाँ पर यही एक्सप्रेशन बनकर आएगा। लेकिन आप इसको डायरेक्टली, अगर आइडेंटिटी आपको याद रहती है तो आप डायरेक्टली एज एन आइडेंटिटी आप इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ध्यान रखिएगा वहाँ पे दोनों साइन के टर्म्स थे लेकिन यहाँ पर एक कॉस और एक साइन है, तो इसलिए कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। साइन वाई प्लस एक्स इंटू साइन वाई माइनस एक्स, हालांकि फर्स्ट के सिमिलर ही आपको लग रहा होगा, बट दोनों में एंगल में डिफरेंस है, उधर एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे वाई माइनस एक्स है। आप चाहो तो उसमें माइनस कॉमन लेके फर्स्ट वाली आइडेंटिटी के इक्वल भी इसको बना सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्टली यूज़ करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन वाई प्लस एक्स इंटू साइन वाई माइनस एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई के। तो इन आइडेंटिटीज़ को हम चाहे एल एच एस से आर एच एस को लेके चलें, चाहे आर एच एस से एल एच एस की फॉर्म में लेके चलें, आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिएगा एक एग्जांपल लेते हैं इनके बेसिस पर। तो साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स को हमें प्रूव करना है साइन टू एक्स इंटू साइन टेन एक्स के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमें प्रूव करने की कंडीशन एल एच एस में वो अभी आइडेंटिटी के सिमिलर ही थी, जो आइडेंटिटीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी है अभी साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर इसी की सिमिलर है, तो हम वही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे आपको बताया गया था कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के। ठीक है, इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं अब, क्योंकि ए के प्लेस पे इसमें सिक्स एक्स है और बी के प्लेस पे फोर एक्स है, वो हम पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा साइन सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स और इंटू में साइन सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा साइन टेन एक्स इंटू साइन टू एक्स। ठीक है, एक और देखिएगा, हमें प्रूव करना है कॉस टू एक्स इंटू कॉस टू वाई प्लस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई माइनस कॉस स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू, प्रूव करना है इसे कॉस ब्रैकेट में टू एक्स प्लस टू वाई के। तो प्रूव करने के लिए हम एल एच एस को लेके चलते हैं, और एल एच एस को लेके चलने के बाद ये जो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई, इसमें हम आइडेंटिटी पुट कर देते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, एक बार आपको दिखा देते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब भी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई की फॉर्म में लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं किसके इक्वल, इसको लिख सकते हैं हम साइन वाई प्लस एक्स इंटू साइन वाई माइनस एक्स के। तो वही आइडेंटिटी वहाँ पर यूज़ करेंगे, तो उसी आइडेंटिटी को यहाँ पर लिखा गया है। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई को हम लिख सकते हैं भाई साइन वाई प्लस एक्स इंटू साइन वाई माइनस एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो वाई के प्लेस पर इस बार ये और एक्स के प्लेस पर ये है, तो आ जाएगा साइन एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, आइडेंटिटी को हमने नीचे मैंशन भी कर रखा है। तो ये कॉस टू एक्स इंटू कॉस टू वाई प्लस सॉल्व करके आ जाएगा साइन टू एक्स और इसे सॉल्व करके आ जाएगा साइन माइनस के टू वाई। साइन में कभी भी एंगल माइनस में होता है तो उसका माइनस साइन हम बाहर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस टू एक्स इंटू कॉस टू वाई माइनस साइन टू एक्स इंटू साइन टू वाई। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आइडेंटिटी बन रही है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी की, जो कि इक्वल होती है किसके, कॉस ए प्लस बी के। तो ए के प्लस पर टू एक्स पुट करेंगे, बी के प्लस पर टू वाई, तो ये बन जाएगा कॉस टू एक्स प्लस टू वाई। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ आज, तो आप इन क्वेश्चंस को करके देखिएगा। ठीक है, जिससे कि हम उन जो आइडेंटिटीज़ हमने कल आपको बताई थी, ये जो आज हमने उसमें ऐड करी है, तो उनको आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो उन्हीं के बेसिस पर यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो इनको आप ध्यान से करके देखिएगा। इनमें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप उसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।